तो आज ना यहां से स्टार्ट करते हैं थॉट फॉर द डे. एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज ईजी. एग्जैक्टली दोस्तों, मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा. आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड. मैं इतना इंट्रोवर्ट था, मैं कभी किसी से बात नहीं कर सकता था. एग्जैक्टली यू नो, और आज मैं आप लोगों के साथ कैमरे को देख के बात कर पा रहा हूँ. ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, ये चीज़ मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी. ट्रस्ट मी, एंड आई मीन दैट. आई रिमेंबर जब मुझे पहली बार स्टेज पे जाके अपना एक हैप्पी मोमेंट बोलना था, सिर्फ 20 सेकंड के लिए बोलना है कि आई हैव टू स्पीक फॉर 90 मिनट्स. और वो 90 सेकंड शायद मेरी जिंदगी के फर्स्ट 90 सेकंड्स थे. मैं हैप्पी क्या अपनी उस लाइफ, अपनी इस लाइफ में आई थिंक उसको वर्स्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ बोलूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ 20 मिनट ही बोलता हूँ. सो उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज ईजी. हर चीज़, हर काम जब तक आप उसको कर रहे हैं और वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो इसीलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अब तक वो आपके लिए आसान नहीं हुआ है. इस एक थॉट ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज लेकर आया. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही एट द एंड ऑफ द डे. आई एम एब्सोल्युटली बैंग ऑन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट यस, अगर ये सीलन आपकी हर वॉल पे आ रही है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कवर करूं यहां पर, जहां पर पूरी वॉल पैनलिंग हुई हुई है, अब इस वॉल पैनलिंग के पीछे मान लीजिए, क्योंकि ये यहां पर भी सारी सीलन है, तो अगर ये यहां तक है और जहां से मेरा पूरा वॉल पैनलिंग यूनिट स्टार्ट हो रहा है, ड्रॉअर यूनिट स्टार्ट हो रहा है, पूरा ड्रेसिंग यूनिट स्टार्ट हो रहा है, अगर ये पैनलिंग यहां पर भी, उसके पीछे भी अगर ये पूरी की पूरी सीलन होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? बिकॉज वी हैव यूज्ड एमपीसी डब्ल्यूपीसी बोर्ड्स. एग्जैक्टली, ये पूरा का पूरा जो ड्रेसिंग यूनिट है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा जो एलसीडी यूनिट है, ये हमने पूरा का पूरा किस में बनाया? एमपीसी बोर्ड्स में. अब मैं इसको कवर करता हूँ कि हमने इसको किस तरीके से बनाया. बहुत सिंपल है, दैट्स व्हाट द ड्रेसिंग यूनिट इज, यू नो, बेसिक टॉयलेटरीज विच वी कीप ओवर हियर. एंड यस, नथिंग नॉनदलेस, इसके ऊपर एक लैकर ग्लास, 4mm का एक लैकर ग्लास लगा हुआ है. एंड देन ऑल दिस इज द लैकर ग्लास. And this is the normal glass with the little velveting on the edges like this. And ये same वही है जो मैंने last video में बताया था, vinyl paper, vinyl होता है ये. और this is a self-adhesive form of a vinyl paper which is used over there. और इसको use करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ये paste हो जाता है और कहीं किसी कोई इसमें problem नहीं आती long run के अंदर भी. और yes, अब this is something, you know, which is a LED unit which has been made. ये बहुत diligently बनाया था और हमारे architect ने बहुत 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 मेहनत करी इसको बनाने में, इसको design करने में. So how it is made? Are you interested to know that how it is made? Should I tell you that? Very good, fantastic. Thanks for being a good audience, huh? So इसको हमने कैसे बनाया? इसको हमने दो boards लिए. Front board हमने लिया 30mm का और जो back board है वो हमने लिया 12mm का. तो फर्स्ट 30mm के बोर्ड के ऊपर हमने इसके ऊपर 3D एंग्रेविंग करी, और 3D एंग्रेविंग करने के बाद हमने उस 12mm के बोर्ड के ऊपर उसको पेस्ट करके और क्लैड कर दिया दीवार के साथ. अब जब हमने इसको दीवार के साथ क्लैड किया, तो अब उसके ऊपर एक रॉ फिनिश थी, उसको सैंड पेपर से रब करके और नॉर्मल जैसे हमने पीयू पॉलिश वुडरोप पे करी है या इस यूनिट पे करी है जहां पर ये है, ये ऊपर जितनी वॉल पैनलिंग है, सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर भी किया. देर इज नो अदर थिंग विच इज यूज, बिल्कुल नॉर्मल है. बट आई होप कि ये जो 3D लुक है ये आपको अपील करे, और इसको आपको अगर कहीं पे भी यूज करना है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रस्ट मी, इट लुक्स फैंटेबुलस, बहुत सुंदर लगता है. जो भी आता है उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है, यार ये LED यूनिट बड़ा डिफरेंट लगता है आपका. एंड आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 3D लुक विच मेक्स इट वेरी एलीट. और दूसरा बड़ा मेजर पॉइंट है कि अब अगर इसके बैक साइड पे अगर कहीं पे भी कोई डैम्पनेस आ रही है, कहीं पे भी अगर कोई सीलन आ भी रही है, कहीं पे भी अगर कोई टर्माइट का, मॉइस्चर का कोई भी अटैक होता है, तो आर पीस ऑफ माइंड इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन स्टेक. आर हैप्पीनेस इज नॉट ऑन स्टेक. दैट्स राइट माय फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, स्टेक पे नहीं है वो चीज. क्यों क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि एमपीसी बोर्ड्स पूरे बने हैं, 100% वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, लाइफ टाइम गारंटी रहती है, डैम्पनेस प्रूफ है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं लाइफ लॉन्ग. तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम एब्सोल्युटली एट ईज़ विद
complete peace. Thank you.